पंडरिया विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत मुनमुना बिजली की समस्या से वनवासी बैगा आदिवासी जूझ रहे हैं। कहने को सरकार आदिवासी बैगाओं के हित में मूलभूत सुविधाओं की योजनाएं तो बनाती है, लेकिन आज भी उन तक मौलिक मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं रही है। बता दें, ग्राम पंचायत मुनमुना के आश्रित बदौरा, गरगरा, कुल्लू पानी, नवागांव, कपोटी में आए दिन बिजली की समस्या रहती है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने पर अस्थायी रूप से बनाकर चले जाते हैं। बमुश्किल एक या दो घंटे बिजली आती है, फिर स्थिति यथावत रहती है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ बिजली की समस्या के चलते जंगल में जहरीले सांप बिच्छू का भय बना रहता है। उनके बच्चे बिजली के अभाव में चिमनी मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करते हैं। मीडिया पड़ताल से कुछ गंभीर बातें सामने आई। बिजली पोल से केवल जमीन पर पड़ी मिली, जिससे वनवासियों को भविष्य में जान माल का खतरा हो सकता है। वहीं वनवासियों ने बताया कि उनके गांव का बिजली ट्रांसफार्मर विगत महीनों से अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी करके ले गए हैं। इससे स्पष्ट है कि बिजली विभाग अपने विभाग और ड्यूटी के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। बहरहाल, संबंधित विभाग के अधिकारी जीई कार्यपालन अभियंता से वस्तु स्थिति से अवगत किया गया। अब देखना है कि वनांचल की बिजली की समस्या कब तक दुरुस्त हो पाएगी। यहाँ लाइट की बहुत समस्या है कि नाम पहले बताओ। मेरा नाम मिलो बैगा है कि गांव के रहने वाला हूँ, बदौरा से। कि आज दिन लाइट कटता है कि हर लाइट की ज़्यादा समस्या, बारिश से लेकर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ देखो तो यहाँ पे तीन फैसद है, तीन पे तो आ ही नहीं रहा है लाइट। यार हर समय करते रहते हैं, महीना में दो महीना में करते रहते हैं, पर यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ ट्रांसफर भी लगे था यहाँ स्कूल के बगल में, वो भी चोरी हो गया है। वो चोरी हो गया है, आते हैं वो देख के चले जाते हैं। आज तक कोई नहीं लगाए हैं। विद्युत विभाग में कई बार शिकायत कर चुके हैं हम लोग, इसके जानकारी भी दे चुके हैं। आज तक स्थायी रूप से लाइट नहीं जलता है। महीना में कम से कम 10-12 दिन जलते हैं, स्थायी रूप से लाइट काट दिया जाता है। अर्जी तो किए नहीं है, पर उम्मीद रही से कि हम आदिवासी बैगा है तो इसके लिए थोड़ा बहुत देखभाल करेगा इसे टाइप के, मगर अभी तक ले तो कोई एक कुछ किए नहीं है लाइट के बारे से। हाँ जानना। अच्छा, तो यहाँ बिजली की समस्या है बिल्कुल। वो आठ चार दिन बढ़ी तो हम बंद, और कोई जियाने नहीं दे। अब साहब मान बता दी आए से, अब ओखर बात का करते हैं, अब देख के चल देते हैं। जंगल बियाबान जंगल है बदौरा। हाँ, बिन बिजली के कैसे तो ओखरे से चीज लिख के देते जाके। सरपंच साहब आए थे, उन्होंने बदौरा के लिए कहा था, तो बदौरा की लाइन चालू हो गई थी नेक्स्ट डे में, और इसके अलावा कोई कंप्लेंट नहीं था। अभी आपने वहाँ तार टूटने की घटना की जानकारी दी है, जिसके लिए स्टाफ चला गया है, भेज दिया गया है। यदि कहीं भी लाइन के आसपास लाइन टूटने की कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत कार्यालय में जानकारी दें। कार्यालय में इसके भी कोई सूचना नहीं दी गई है, मैंने अभी बात किया है, तो दिलीप ठाकुर को मैंने भेजा है, अभी जा करके लाइन चालू कर दिया जाएगा। उसकी जांच करवाते नहीं, वन अंचल क्षेत्र की पूरी लाइनें चालू है, किसी के लाइन वर्क की कोई सूचना नहीं है। अभी आपसे जो तार टूटने की घटना की जानकारी आई है, इसके लिए भेज दिया गया, बाकी पूरी लाइनें चालू है। बिजली समस्या है, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, फिर भी नहीं चालू है। आपको नहीं मिल सकती? हाँ।